तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, और स्वागत है आपका और एक नई मिनी मलेशिया वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाले है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनी मलेशिया के डिफ़ॉल्ट नेम्स की मीनिंग के बारे में। तो चैनल पर न्यू हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही गेमिंग कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, अगर आप मिनी मलेशिया खेलते हो तो आपके मैच में कुछ ऐसे बंदे जरूर आए होंगे जिनका नाम कुछ ऐसा होगा। फाइटिंग रेबेल, इंसाइन ईगल, गन स्लिंगर, डार्ट, फाइटिंग बस्टर और वगैरह वगैरह। तो गाइस, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और बोले तो इनका मतलब क्या होता है, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं किस लिए हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर कुछ 10-12 नाम यहाँ पर लिख के रखे हैं, और मैंने किया क्या गाइस, मैंने गूगल ट्रांसलेट में गया और मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया, लेकिन एक्यूरेट मुझे मीनिंग ही पता नहीं चला। मतलब जैसे इंग्लिश में जो लिखा हुआ था वही बहुत सारे नामों में हिंदी में लिखा के आ गया। मतलब कुछ नाम, मतलब 10-12 नाम में से मुझे सिर्फ 2-3 नामों का ही एक्यूरेट मीनिंग पता चला। तो चलिए अब एक एक करके सारे नेम्स का जो है मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला नाम है गाइस फाइटिंग रिबेल। तो फाइटिंग रिबेल का मतलब है गाइस, फाइटिंग का मतलब तो लड़ रहा है, और रिबेल का मतलब है गाइस जैसे कोई रिवॉल्यूशन में कोई पार्ट ले रहा है, मतलब किसी बुरे चीज़ के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा है, इसका मतलब होता है रिबेल। मतलब वो रिबेल है, मतलब फाइटिंग रिबेल का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो रिवॉल्यूशनरी। तो दूसरा नाम है गाइस जूनियर आयरनसाइड्स। तो गाइस, मैंने इसे गूगल ट्रांसलेट में जब डाला तो मुझे मतलब इंग्लिश का नाम ही, मतलब जूनियर आयरनसाइड्स, मतलब हिंदी में ही लिखा हुआ आ गया, और जब मैंने इसकी मीनिंग के बारे में सर्च किया तो मतलब कुछ एक्यूरेट नहीं है, मतलब दूसरा वर्ड आ गया, मतलब जूनियर आयरनसाइड इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये मिनी मलेशिया वाले सच में ऐसे ही कोई भी नाम पकड़ा देते हैं। तो गाइस, बहुत सारे नाम हैं उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसे नाम की लिस्ट दे रहा हूँ उसका मतलब कोई हिंदी में मतलब नहीं होगा। मतलब मैं सारे नाम को अगर बोलूँगा एक एक करके इसका कोई मतलब नहीं है तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको एक ही बार बता देता हूँ किस किस नाम के कोई मतलब नहीं होते। जेट पैकर बोल, मेट्रोस बैजर, शूटर बोल, इंसाइन ईगल, सोरिंग बॉम्बर, ये कुछ ऐसे नाम है गाइस जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो गाइस, मैं आपको अब जो नाम बच गए हैं जिनका कुछ मतलब होता है, मैं उन नामों का आपको मतलब बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगला नाम है गन स्लिंगर डार्ट। तो गन स्लिंगर का मतलब होता है गाइस बंदूकबाज, और डार्ट का मतलब, डार्ट एक चीज़ होती है, मतलब उसको शूट किया जाता है। मतलब गन स्लिंगर डार्ट का भी कुछ अच्छे से मीनिंग नहीं पता चला मेरे को, या फिर इसका मीनिंग होता ही नहीं अच्छे से, मतलब कुछ भी पकड़ा देते हैं मिनी मलेशिया वाले। तो अगला नाम है गाइस फाइटिंग बस्टर। फाइटिंग का मतलब तो आपको गाइस पहले बताया मैंने, फाइटिंग का मतलब लड़ रहा है और लड़ने वाला, या और बस्टर का मतलब होता है गाइस कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो और लोग उसे मतलब चिढ़ाते हो, बस्टर 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 बोल के ऐसा ही लिखा हुआ था गूगल में, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ गाइस। तो फाइटिंग बस्टर मतलब लड़ने वाला कमज़ोर आदमी। तो गाइस, लास्ट नेम है फ्लाइंग हेड हंटर। तो फ्लाइंग का मतलब तो गाइस आपको पता है उड़ने वाला, मतलब उड़ रहा है, जैसे फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग हेड हंटर उसी तरह। और हेड हंटर का मतलब गाइस, हेड हंटर मतलब जो हेडशॉट मारता है, मतलब उड़ते उड़ते हेडशॉट मारने वाला। फ्लाइंग हेड हंटर का गाइस मतलब यहाँ पर है उड़ते उड़ते जो हेडशॉट मारता है उसका नाम है फ्लाइंग हेड हंटर। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर न्यू हो तो। चलो मिलते हैं हम और एक नए वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।